नमस्कार, मैं हूं काजल मिश्रा, स्वागत है आपका N1 लाइव पर। आइए नजर डालते हैं हिमाचल प्रदेश की मुख्य खबरों पर। बिलासपुर में पोस्टमार्टम को ले जाते तेंदुए के दो दांत गए, विभाग ने बैठाई जांच। 7 और 8 अगस्त को विधानसभा चुनावों की रणनीति बनाएगी कांग्रेस। नौबहार में किसान बागवान की आक्रोश रैली, सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त के बीच मौके पर मौजूद रहे DGP। आजादी के 75वें अमृत महोत्सव पर रोज पब्लिक स्कूल ने फहराया नूरपुर क्षेत्र का सबसे ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज। स्कूलों में बनाए जाएंगे हर्बल गार्डन, हमीरपुर, कांगड़ा, ऊना और मंडी जिलों में पहुंची औषधि पौधों की खेप। नूरपुर बना प्रदेश का 14वां पुलिस जिला, गृह विभाग ने जारी की अधिसूचना। सुंदरनगर के धनोटो के पास दर्दनाक सड़क हादसा, जीप ने मारी बुलेट को टक्कर, हादसे में 2 युवकों की मौत। प्रदेश में नहीं थम रहा बारिश का कहर, जिला प्रशासन कर रही लोगों की मदद, धर्मशाला में JCB से हटाया जा रहा सड़कों से मलबा। 7 मील के पास पहाड़ी से गिरा मलबा, चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे हुआ बंद। बीते कई दिनों से जारी बारिश में मंडी कुल्लू हाईवे समेत 80 सड़कों पर आवाजाही ठप। तो ये थी हिमाचल प्रदेश की अब तक की मुख्य खबरें। ऐसी तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए N1 लाइव।